मीराबाई की माँ कहने लगी, बेटी तेरा शौक बहुत सुंदर है, तेरे शौक को देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ, लेकिन बेटी अभी तेरी उम्र पढ़ने लिखने की है, पूजा पाठ करने की अभी तेरी उम्र नहीं आई है। मीरा कहने लगी, माँ भगवान की पूजा पाठ के सिवा संसार में पढ़ाई क्या होती है। कहने लगी, बेटी मेरी बात सुन, संसार में पढ़ाई बहुत कुछ बाकी है, अभी तुझे पढ़ना है, मैं बताती हूँ तुझे क्या पढ़ना है। क्या? कहने लगी, ये चंचल चपल अकल चतुराई, दिस तेलिया बुद्धि तेरी, बाल उपदेश दरहू को पढ़ लिए बेटी मेरी। चंचल चपले अकल चतुराई, किसी तेरिया बुद्धि तेरी, बाल उपदेश दरहू को पढ़ लिए बेटी मेरी। चंचल चपल अकल चतुराई, किसी तेरिया बुद्धि तेरी, बाल बजे धरो गो जा मैं पढ़े बेटी मेरी। बच्चे को सबसे पहले स्वर सिखाया जाता है, उसके बाद व्यंजन। स्वर क्या होता है? ए आ ई ई। व्यंजन क्या होता है? क ख ग घ ङ। अपनी बेटी को पढ़ाई के अनुसार क्या सिखाती है? लरी लरी ए आई ओ औ अंग ए पैड़ी पैड़ी चलिए, बड़िए करिए, अक्षत्र कुछ न लगे देरी। बाल बजे धरो गो जा मैं पढ़े देती मेरी, चंचल चपल अकल चतुराई, तेरी बुद्धि तेरी। बाल बजे धरो गो जा मैं पढ़े देती मेरी। स्वर सिखा दिए, व्यंजन सिखा दिए, अब नंबर आता है बारह खड़ी का। बारह खड़ी क्या होती है? मात्रा का ज्ञान। मात्रा का ज्ञान कैसे सिखाती है अपनी बेटी को? कई को कौ कंके बाला, सब में ये मात्राएं लगती, तू काद्या पढ़ ले सारा। अक्सर दीपक संध्या तर्पण ओड़ा चक्कर न्यारा, शिखर बोध और लघु कोमती फेर पुराण अठारा, शिव पुराण और दवा पद्धति में शिव पुराण और विवाह पद्धति में देवता की पूजा ले। बाल बजे धरो गो जा मैं पढ़े बेटी मेरी, चंचल
सफल कलश तोराई के तेरिया बुद्धि बार बजे धरो गो जामर पढ़े बेटी मेरी विष्णु शंकर नाम पढ़ो और हनुमत का चालीसा कवल नेत्र और दुर्गे पड़ी सत्यनारायण की गीता शिव रुद्री और भागवत गीता रामायण का किस्सा अमर कोश और मनु समर्पी ये पुस्तक है सीता सारस्वत चंद्री का कहमा देखो सारस्वत चंद्री काम देखो जो कर दे दूर अंधेरी बाल बजे धरो गो जा मैं पढ़े बेटी सागर प्यारी सारंग दर और नारद संगीता पढ़ पंगल राज दुलारी चार वेद छह शास्त्र पढ़ लिए मैं कहती कहती आई जन्म गंजे आठ लाग जा रात बीत जा सारी कहे लखन पढ़ी भृगु संगीता कहे लखन पढ़ी भृगु संगीता जिन चरण लक्ष्मी जे बाल बजे नाम नाम आयु नैन स्टूडियो और दोस्तों आज जो रागनी थी मीराबाई के किस्से की पंडित जगन्नाथ जी की आवाज में शायद किसी कैसेट कंपनी में पूरा किस्सा गाया था पंडित जी ने मीराबाई का और सौजन्य से भाई मोहित मलिक की रागनी प्राप्त हुई थी। दोस्तों स्पेशल थी पंडित जगन्नाथ जी की जयंती के लिए रागनी, लेकिन तारीख के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी, कहीं पे 24 जुलाई था और कहीं जगह हमने 27 जुलाई पढ़ने को मिला उनकी जयंती, तो फिर ये सोचा कि सोशल मीडिया पर पता चल जाएगा शायद फेसबुक पर कि पंडित जी की जयंती कब है, लेकिन वहाँ से भी कन्फर्म नहीं हो पाया, इसलिए आज 27 तारीख को ये पब्लिक कर रहे हैं। वैसे तो चाहे पंडित जी का जन्मदिन तीजा के दिन मना लो, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वह जन्मदिन तीज के दिन उनका जन्म हुआ था और संगीत का माहौल था और लुगाई गीत गाओ थी तीजा के सामण के और वही धुन उनके मन में बस गई और वो फिर बड़े होकर फिर गाने में ही चले गए और उन्होंने इतना गाया इतना लिखा बहुत भजन लिखे। और बात करें दोस्तों इस रागनी की चंचल चपल अकल चतुराई किसी तेल या बुद्धि तेरी बाल उपदेश धरो गोड्या में पढ़ ले बेटी मेरी। पहले कादा आया करता स्कूलों में, आज की पीढ़ी को तो शायद नहीं पता, कॉन्वेंट स्कूल हो गए, अंग्रेजी स्कूल हो गए और बुक्स आ गई, लेकिन पहले कादा आया करता दोस्तों बाल उपदेश उस पर लिखा आया करता और वर्णमाला कह कह गए गिनती ये सिखाया करते उसमें। और यहाँ पर पंडित जी ने देखो पढ़ाई की शुरुआत भी, आज तो प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ा है नौबत आ गई कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
लेकिन शिक्षा हमारे कवियों की, हमारे समाज में महात्माओं की, महापुरुषों की जो थी शुरू से ही है, भले ही समाज ने ध्यान नहीं दिया या जरूरी नहीं समझा। तो यहाँ पर पंडित जी की रागनी कन्या शिक्षा को समर्पित मीराबाई की माँ, उसने समझा हुआ पढ़ाई के बारे में। ऐसी रचनाएं बहुत मिल जाएंगी दोस्तों पुराने कवियों की, बहुत शिक्षा दे के गए बाजे भगत जी, मेहर सिंह, धनपत, मांगे राम, लक्ष्मी चंद, इनकी कविताओं में वो ज्ञान, वो बातें बहुत ज़्यादा हैं। पर शायद समाज ने रागनियों को मुकाबले के रूप में लिया, कलाकारों को तो बिठाया लेकिन सुना नहीं, सीखा नहीं कुछ। आज भी वही दौर है, फूहड़ तागी, उपरा तली कराई और नज़ारे लिए, लेकिन रागनियां नहीं सुनी, उनमें है क्या? और देखो कहाँ से शुरुआत करी है, स्वर व्यंजन वो भी संस्कृत की व्याकरण के, बारह खड़ी जिनको बोलते हैं, और लरी लरी ये हिंदी में भी नहीं है, संस्कृत में है। वहां से पंडित जी ने उठाई, देखो स्वर और व्यंजन कहाँ से पढ़ाई शुरू करनी है, और शायद दुनिया की सबसे निकृष्ट, और ये कहेंगे कि वही गई गुजरी जाति जो है वो भारतीय है। इतना कुछ था हमारे पास, इतना कुछ, और आज के हालात क्या है देखो, कितनी किताब, चार वेद, छह शास्त्र, अमरकोश, मनुस्मृति, शिव पुराण, 18 पुराण पूरे, और कितनी किताबों के नाम आए। एक भजन में, एक रागनी में पंडित जी ने इतना ज्ञान, भगवत गीता का और सारा इतना उल्लेख कर दिया, पढ़ने के लिए इतना कुछ था, आज भी है, लेकिन नहीं पढ़ा। और नहीं पढ़ा, समाज ने जरूरी नहीं समझा, तो हाल आती है आगे, आज अपनी प्रेमिका ने लाडो कहने लगी। बहुत बुरा दौर आ गया संस्कृति का, ऐसे ऐसे कलाकार, ऐसे ऐसे कवि आ गए, उनको ये नहीं पता कि कौन सा शब्द कहाँ यूज करना है, कहाँ इस्तेमाल होगा। और उससे भी ज्यादा दुख कल परसों हुआ भाइयों, ऐसे कलाकारों को जवाब देने के लिए, उस ट्रेंड को बदलने के लिए, जब कुछ कलाकार आगे आए, भाई विकास सातरोड, रमेश कलावड़िया जी के शिष्य, उन्होंने एक गाना गा के और बड़ी रिक्वेस्ट के बाद दिया था, पहुंचाया, और वो रागनी थी मेहर सिंह जी की, चंद्र दत्त के जेकर करूं झूल गाले री बड़ में, दो झूल हैं दो झोटे दे रही, और खड़ी थी जड़ में। सावन के महीने की शुरुआत में, सावन के महीने की रागनी उन्होंने गा के डीजे वाले संगीत पे दी, ट्यून पे, और वो डाली, तो कई भाइयों के ऐसे कमेंट आए कि वह नाश कर दिया, ऐसी तीसी कर दी, और कई गलत शब्द भी लिख दिए उन्होंने। देखो भाइयों, अगर यो लाडो वाला गलत इस्तेमाल का ट्रेंड बदलना है ना, तो फिर ऐसी रचनाएं ये देनी पड़ेंगी आज की भटकी हुई युवा पीढ़ी को। मांगे मेहर सिंह और लक्ष्मी चंद की अगर रागनी आपने सुनानी है ना, तो थोड़ा सा बदलाव तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहो ना कि भाई डीजे पे भी ये अच्छी रागनी, अच्छे संगीत बजाए ब्याह शादी पे, खुशी के मौके पे, तो फिर वो गाने तो पड़ेंगे, उसमें ये गाए जाएंगे, तभी वो बंद होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आप उनका सहयोग करा करो, नहीं तो इतना ज्ञान, इतना हमारी संस्कृति में ऐसी ऐसी बातें आज जो रागनी में आपने सुनी है ना, और कहीं नहीं मिलेगी, ना पंजाबी में, ना राजस्थानी में, ना आपको बॉलीवुड में, ना हॉलीवुड में, कहीं नहीं है। खैर भाई की बड़ी अच्छी मेहनत करी थी उन्होंने, बहुत अच्छी कोशिश करी थी, रिक्वेस्ट करी थी उनसे, वो गाना लिया था, डाला, सुनवाया, और रिस्पॉन्स अच्छा रहा कुछ भाइयों को छोड़ के। तो भाइयों आगे से कोई ऐसी कोशिश करे ना कलाकार, तो उसका हौसला बढ़ाओ, डाउन मत करो। तो दोस्तों ये पंडित जी की जयंती पे एक रागनी थी, तारीख थोड़ी सी आगे पीछे रह गई गलती, इसलिए लेट पेश हो पाई, उसके लिए माफी चाहेंगे। बाकी भाइयों जुड़े रहो, आगे तीजों के लिए अलग रागनी, अलग मसाला मोहित भाई ने दे रखा है, बहुत अच्छा, राज किशन जी की आवाज़ में वो पेश करेंगे। और दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया हरियाणा गोल्ड चैनल पर वीडियो नहीं दे पाए, आज़ाद कवि मुंशी राम जांडली जी के जीवन परिचय पर एक वीडियो जल्दी पेश करने की कोशिश करूंगा। समुंदर सिंह पंवार गांव बड़म्बा से, उन्होंने उनके जीवन के बारे में कविता लिख के दी है, काफ़ी टाइम हो गया लेट चल रहे हैं, तो वो कविता उस वीडियो में आएगी, और उनका जीवन परिचय पूरा मुंशी राम जी होगा। दुनिया के में रोशन कर गया वो जांडली गांव ने, बार बार हम नमन करें कवि मुंशी राम ने। तो जुड़े रहो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।